पता नहीं वो आएगी या नहीं। बहुत देर हो गई है, लगता है नहीं आएगी। हाय अल्लाह कमल, पागल हो क्या? जान निकाल दी मेरी। इतनी आसानी से नहीं मरने वाली हो तुम। फिलहाल तो मेरा दम निकला जा रहा है। ये देखो लॉन की एग्जीबिशन लगी हुई है, कितने प्यारे प्यारे प्रिंट्स हैं। फाकी, नहीं मतलब सीन प्रिंट्स हैं, लेकिन अम्मी से बोलो ना एक दो प्रिंट्स हमें भी दिला दे। दिला ही ना दे, कम से कम 5,000 का एक सूट है। इधर मैंने सूट दिलाने की बात की, उधर उन्होंने घर के खर्चों के खाते खोले हैं। इसका मतलब हम कभी एग्जीबिशन में नहीं जा पाएंगे। क्यों क्यों नहीं जा पाएंगे? 3 दिन पड़े एग्जीबिशन खत्म होने में, और 3 दिन में तो दुनिया बदल जाती है। मगर अम्मी इजाजत नहीं देंगी। वो इजाजत दे देंगी। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तुम देखना मैं करती क्या हूँ। रियली? हाँ ना। यू कैन टेक इट। समझा दीजिएगा आप उन्हें, और उन्हें ये भी समझा दीजिएगा कि मेरी जिंदगी में बहसियत बाप जो उनका हक है ना, बस उसी को इस्तेमाल करें। एक छोटा सा तोहफा है। तोहफा? कहते हैं ना कि दोस्ती की इब्तिदा गिफ्ट से करनी चाहिए। कम ऑन मम्मी, क्या ये सब कुछ, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग? आजकल तो कोई लड़कियों के साथ ऐसे नहीं करता जैसे आप लोग मेरे साथ करना चाह रहे हैं। मैं कोई कठपुतली हूं, कोई पपेट हूं कि बाबा के इशारों पर चलूंगा? बाबा को मेरी फोटोग्राफी पसंद नहीं है, उन्हें मेरा म्यूजिक पसंद नहीं है, मेरा घर से बाहर निकल के दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं है, और अब वो ये चाहते हैं कि मैं उनकी किसी दोस्त की बेटी को पसंद करूं, उससे शादी करूं ताकि उनकी बिजनेस की मुश्किलात दूर हो जाए। मैं उनका बेटा हूं या कोई ATM कार्ड? दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। बेटा, तुम अपने बाबा की तबीयत से वाकिफ तो हो ना, फिर इतने रूठ क्यों हो रहे हो मुझसे? Sorry, I'm not being rude to you. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि it's not acceptable, मम्मी. और वैसे भी ये मेरा हक है। मैं जब भी शादी करूँगा अपनी मर्जी से शादी करूँगा। समझा दीजिएगा आप उन्हें, और उन्हें ये भी समझा दीजिएगा कि मेरी जिंदगी में बहसियत बाप जो उनका हक है ना, बस उसी को इस्तेमाल करें। मैं नहीं चाहता कि उनको कोई मायूसी हो। मुश्ताक, वो आज भी नहीं आई। चलो अपान साहब, अपनी रूटीन लाइफ की तरफ वापस और जाके सो जाओ। कहाँ थी आप? आप कौन? आप इतने दिनों से आई नहीं। मैं आपको जानती नहीं हूँ। I don't talk to strangers. I understand, लेकिन जॉगिंग के लिए तो हमेशा आती थी। Why don't you come? आप प्लीज मेरे रास्ते से हट जाइए। Weirdo. मेरी बात कहाँ थी आप इतने दिनों से आई नहीं। जॉगिंग के लिए तो हमेशा आती थी। Why don't you come? आप प्लीज मेरे रास्ते से हट जाइए। Weirdo. मेरी बात बेबी जी, जूस। बिटिया, क्या बात है, जब से आप आई हैं कमरे से बाहर नहीं निकली। सुल्तानी भी, मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन आप किसी को बताएंगी नहीं। खैरियत तो है ना? हाँ, पार्क में मेरे पीछे एक पागल सा लड़का लग गया था। या अल्लाह, खैर तो आपने साहब को बताया? नहीं नहीं, उनको बताया ना, कभी घर से बाहर नहीं निकलने देंगे मुझे। लेकिन बिट्ठा, बताना तो पड़ेगा ना। नहीं ना, और आप भी किसी को नहीं बताएंगी। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी।
लेकिन आज के बाद आप पार्क में अकेली नहीं जाएंगी। हाँ ठीक है, नहीं जाऊंगी। पक्का वादा? पक्का वादा, लेकिन आप भी पक्का वादा करें, आप किसी को नहीं बताएंगे। पक्का वादा। अगर बताया ना, कभी भी बात नहीं करूंगी मैं आप। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। चलें अब जल्दी से आप जूस पी लें। लॉन एग्जिबिशन में और मैं, हाउ बोरिंग। प्लीज गुले देखो, मना नहीं करो, चलो हमारे साथ। इस डिजाइनर की कलेक्शन का मैं पिछले 3 महीने से वेट कर रही थी, प्लीज चलो। लेकिन मैं वहां जाकर क्या करूंगी? मामा मेरे सारे ड्रेसेस लेती हैं और मुझे शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुले वहां कपड़ों के अलावा भी बहुत कुछ होगा ना देखने को, चलो ना यार। देखो अगर तुम नहीं जाओगी ना तो हमें भी परमिशन नहीं मिलेगी, प्लीज चलो। अच्छा तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो चलती हूँ। गुले बिटिया, अगर आपका जी नहीं चाह रहा जाने को तो आप मना कर दीजिए, बिला वजह जाकर वहां थकेंगी। सुल्तानी भी आप तो चुप ही रहे, आपसे किसने मशवरा मांगे? आप अपने काम से काम रखें। कमल बिटिया, हम इस लहजे के आदि नहीं हैं। इस घर के सभी लोग हमसे बहुत इज्जत और एहतराम से बात करते हैं। इस घर के कुछ लोग पागल हैं, नौकर को नौकर नहीं मालिक समझते हैं। तुम नौकर हो, नौकर बन के रहो, और आज के बाद मेरी बातों में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करना। कमल इस लहजे में बात नहीं करो सुल्तानी बी से, मैं नौकर नहीं है। नौकर नहीं है तो क्या मालिक है? तुमने सबको सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। सर पे तो आपको भी चढ़ाया। अच्छा गुले बताओ ना, चल रही हो कि नहीं? अच्छा चलती हूँ, लेकिन मामा से पहले परमिशन ले लो। गुले सिर्फ राना चाची से ही नहीं, तुम्हें अम्मी से भी परमिशन लेनी होगी। और देखो हमारा जिक्र दरमियान में नहीं आया बिल्कुल भी। मतलब ये कि तुम उनसे बोलना कि एग्जीबिशन पे जाने का ख्याल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, हमें तो सिर्फ तुम अपनी कंपनी के लिए लेके जा रही, वरना हमें इजाजत नहीं मिलेगी ना। ठीक है ना गुले? ठीक है। बताइए इन कल की लड़कियों ने एक लम्हे में हमें नौकर और मालिक का सबक पढ़ा दिया। सुल्तानी बी आप अपना दिल ना छोटा करें, उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अरे बेगम साहिबा आप हमें शर्मिंदा मत करें, माफ़ी मांगे आपके दुश्मन, वो तो बस यूं ही जी भर आया था, वरना हम आपसे कुछ भी ना कहती। ये उम्र का तकाजा है, बच्चों को पता ही नहीं चलता वो कब किसको हर्ट कर जाए। अब रहने दीजिए बेगम साहब, उम्र तो हमारी गुले बीबी की उन दोनों से बहुत कम है, लेकिन क्या मजाल है कि उनकी जुबान से आज तक कभी कोई बदतमीजी का लफ्ज फिसला हो। हर नौरीन बीबी को तो बहुत नाज है अपनी तरबियत पर, लेकिन इंसान की असल तरबियत तो उसके रवैये और उसके बर्ताव से पता चलते। अच्छा बस अब छोड़ें ना, वो भी इस घर की बच्ची है। मामा मैं कोमल और कवल के साथ एग्जीबिशन में जा सकती हूँ। तुम्हें कब से शौक हो गया इन सारी चीज़ों का? वो मैंने मैगजीन में ऐड देखा था ना, और वो लोग भी कह रही हैं प्लीज। अच्छा तो असल बात ये है, तुम्हें कौन रोक सकता है, जाओ। थैंक यू मामा। अरे अभी कहाँ जा रही हो? ताई अम्मी से परमिशन लेना। अच्छा सुनो अपना वॉलेट में जाना मत भूलना, इतनी भुलक्कड़ हो ऐसी खाली हाथ चले जाओगे। ओके रहने दीजिए बेगम साहब, अगर हमारी गुले बीबी अपना पर्स ले जाना भूल भी गई ना तो कमल और कोमल उन्हें याद दिलवा देंगे कि पैसे साथ लेकर जाना। इतनी महंगाई, इस कदर बेईमानी, 100 की चीज का 1000 मांगते हैं। कोमल कमल कहाँ मर गई, जल्दी आओ ये चीजें रखो, मैं बहुत थक गई हूँ आज। वालेकुम सलाम। हाँ दौड़ी भागी फिर रही हो, बड़ी तीमारदारियां हो रही हैं तुम्हारी। सुना तुम्हें जुकाम हो गया था?
जी वो बारिश में नहाई थी ना इसलिए। सुल्तानी बीवी ने इतना अच्छा चिकन सूप बनाया कि बस मजा आ गया। भाई किसी के बनाए सूप की क्या तारीफ करनी, मजा तो तब है कि पीने के साथ साथ बनाना भी आए। क्या करूं ताई अम्मी, सुल्तानी भी मुझे किचन में जाने ही नहीं देती, उनको डर लगता है ना कि कहीं मेरा हाथ ना जल जाए। जिन लड़कियों के खाना पकाते हाथ नहीं जलते ना गुले, बाद में ससुराल वालों के हाथों उनके दिल जलते। समझी तुम? नहीं। अच्छा टाइमी, मैं आपसे पूछने आई थी कि मैं कोमल और कवल को अपने साथ एग्जीबिशन में लेकर जा सकती हूँ। कैसी एग्जीबिशन? लॉन की। नहीं भाई नहीं, मेरी बेटियों को इन सबसे दूर रहने दो। हम गरीबों के पास तुम्हारे बाप जितना पैसा थोड़ी। अम्मी शॉपिंग तो गुले करेगी, हम लोग तो सिर्फ देखने जाएंगे ना, क्यों गुले? प्लीज ताई अम्मी जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो इसलिए जाने दे रही हूँ, लेकिन मुझे यूं लड़कियों का बेशुत्रो बेमुहार फिरना पसंद नहीं है। थैंक यू ताई अम्मी। गुले तुम जाओ, हम रेडी होके आते हैं। ओके। थैंक यू अम्मी। पर तुम दोनों कान खोल के सुन लो, मेरे पास कोई फालतू पैसा नहीं इन कामों के। अम्मी आप फिक्र क्यों कर रही हैं, गुले हमारे साथ है ना, और जब गुले साथ है तो हमें भी फिक्र की कोई जरूरत है। चलो ठीक है, फिर एक जोड़ा मेरे लिए भी लेकर आओ। एक जोड़ा क्यों अम्मी, दो दो जोड़े लाऊंगी मैं आपके लिए। भाई डिजाइनर जोड़ों की ना बात ही अलग होती है। ये देखो कितना अच्छा है ना, ये भी कितने अच्छे हैं ना, बल्कि मुझे ना यहाँ सब बहुत अच्छा लग रहा है। गुले ये कैसा है? अच्छे लग रहे हैं दोनों। तुम लोग ड्रेसेस देखो, मैं सामने से बुक्स लेकर आती हूँ। ठीक है। You can take it. Thank you. My pleasure. हेलो, कहाँ हो यार तुम? मैं यही हूँ बुकशॉप में सामने। यहाँ कहाँ, मैं और कुमार कब से तुम्हें ढूंढने जा रहे हैं और तुम पता नहीं कहाँ छुप गए। और अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो हमारे साथ आने की जरूरत क्या थी? अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं बस आ रही हूँ यहीं पे हूँ। प्लीज जल्दी आ जाओ। एक और ली पागल, पैसे तो है। आ जाएंगे, आ जाओ जी। कितने हुए? क्या हुआ, शॉपिंग हो गई? खाक शॉपिंग होती, इतने सारे सूट लिए हैं लेकिन ये अपना पर्स घर भूल कर आ गया, और मेरे पास तो इतने पैसे होते नहीं ना कि मैं बिल लेकर। मैं दे देती हूँ। कितना हुआ? सिर्फ 20,000। Oh my God! क्या हुआ? मेरा वॉलेट नहीं है मेरे बैग में। तो तुम वहाँ वॉलेट छुपाने गई थी? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें डर था कि कहीं हम तुमसे पैसे ना मांग लें, और हमारी फूटी किस्मत, काम पड़ा भी तो किससे। तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा वॉलेट मेरे बैग में ही था। बस कर दो गुले, हद हो गई अब तो।
तो सोच भी नहीं सकती थी तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी। चाचा चाची कितनी पॉकेट मनी देते तुम्हें, हर वक्त पर्स भरा रहता है तुम्हारा, बहुत ही घटिया हरकत है। आई स्वेयर मेरा वॉलेट इसी में था। एक्सक्यूज मी, आप अपना वॉलेट वहां पर छोड़ आई थी। शुक्रिया बहुत बहुत गुलनूर, देखो इसमें पैसे पूरे हैं ना। जी आप क्या कहना चाह रही हैं कि मैं उनके वॉलेट से पैसे निकाल कर उनको वॉलेट वापस देने आ गया? देखिए आजकल किसी का एतबार नहीं है, अपने सगे रिश्ते पर एतबार नहीं किया जा सकता। माजरत के साथ। आपकी माजरत की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा मिस्टर चलते बनिए, थैंक यू ये वॉलेट लौटाने के लिए। मुझे आपके मशवरों या आपके शुक्रिया की भी कोई ज़रूरत नहीं। ये लो पेमेंट कर लो। क्या मैं कर दूँ, मर के रोइयो भागे थोड़ी जा रहे, तो मैं कर रही हूँ चलो। कहते हैं ना कि दोस्ती की इब्तिदा गिफ्ट से करनी चाहिए। दोस्ती? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। कितनी हसरत है ना तुम्हारे लहजे में। वैसे मिस्टर अजनबी काफी हैंडसम और स्मार्ट है, क्या ख्याल है? मेरे पास जो कुछ होता है तुम्हारे हवाले करके मुतमैन हो जाता हूँ। तुम मुतमैन क्यों नहीं होती मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए कि मैं बदकिस्मत हूँ, आपकी बीवी हूँ ना। खुशकिस्मत तो है आपकी वो जो इतनी प्यारी भाभी गुले राना। थैंक यू। You're welcome. Excuse me. मैं आपके लिए कुछ लेकर आया था। क्या? एक छोटा सा तोहफा है। तोहफा? कहते हैं ना कि दोस्ती की इब्तिदा गिफ्ट से करनी चाहिए। दोस्ती? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। मेरा नाम मोइज़ अहमद और आपका नाम गुलनूर, मैंने अभी सुना है। यही नाम है ना आपका? नाम तो बहुत सोच समझ कर रखा है आपका। जी कोमल देखो तो कैसे उस अजनबी लड़के के साथ बेधड़क बातें कर रही है। ऐसे लग रहा है उसको कोई कजन वजन है। भाई मैं तो इतनी बेतकल्लुफी से किसी अजनबी लड़के से ऐसे बात ना करूं। हाय कितनी हसरत है ना तुम्हारे लहजे में। वैसे मिस्टर अजनबी काफी हैंडसम और स्मार्ट है, क्या ख्याल है? क्या तो सही रही हो, ये तो बहुत हैंडसम है। क्या करूं? मेरे पास ना एक आइडिया है। ऐसा करते हैं तुम ना इसे गुले के क्रेडिट कार्ड से ही खरीद लो। बात तो तुमने मजाक में की है लेकिन आइडिया बुरा नहीं है। क्या मतलब? समझाती हूँ, पैक करवाओ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? चलिए छोड़िए इस बात को। इफ यू डोंट माइंड कैन आई हैव योर नंबर? क्या कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बात सुन। अच्छा आप ये तो लेते जाइए, इसमें बुक्स हैं, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेंगी। आई डोंट टेक गिफ्ट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। चले तुम लोग गाड़ी में जाकर बैठो, मैं आ रही हूँ। तुम कहाँ को चलो? वो प्यास लगी ना तो जूस लेना है। चलो गुले चलते। अरे गुल शॉपिंग करके आ गए? जी मामा। अच्छा मैं देखूं तुम क्या लेके आई हो। ये बैग्स? जी। अच्छा बुक्स, तुम किताबें लेने गई थी? मामा सच बताऊं ना तो मैं तो कुछ भी नहीं लेने गई थी, बुक्स तो मैंने ऐसी ले ली। तू मुझे तुम सारे पैसे लेके गई थी, सारे खर्च कर दिए? जी मामा
आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मुझे पहले ही पता था, इसलिए वो दोनों तुम्हें इतने प्यार से लेके गई थी अपने साथ। मामा, मेरे बहन भाई क्यों नहीं है? बेटा, रिश्ते खून से नहीं निभाने से बनते हैं, और जिनसे तुम इतना प्यार करती हो ना, अल्लाह करे कि उनको भी रिश्ते निभाने आ जाए। अच्छा, अब छोड़ो इन बातों को, बेकिंग करें, मफिन्स बनाते हैं। हाँ, रम्मी, ये भी मैंने अपने लिए लिया, कैसा? हाँ, ठीक है। और ये अम्मी आपके सूट हैं, कैसे लगे? बस ठीक है, कोई इतने खास नहीं है। लगता है मेरे कपड़े तुम लोगों ने बड़ी जल्दबाजी में खरीदे। अम्मी, हमने बड़ी तसल्ली से आपके कपड़े खरीदे हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी पसंद नहीं आ रहे तो मैं और कोमल बांट लें। कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बदनीयती मत दिखाओ। वैसे भी तुम्हारी चची रोज़ रोज़ तुम्हें गुल के साथ नहीं भेजने वाली। वैसे भी तुम्हारे बाप को तो तौफीक ही नहीं होती कि कभी मेरी अलमारी में पुराने कपड़ों का ढेर ही देख ले। उन्हें तो बस एक ही काम आता है, हमें तरसा तरसा के मारना। अच्छा मैं छोड़े, ये देखे कोमल ने अपने लिए लिया था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने सारे कपड़े कहाँ से आए? वो मेरी और कोमल की कमेटी खुली है ना, तो बस हम लोगों ने खरीद लिया। अच्छा है बेटे, बेहतर तो होता अगर ये पैसे संभाल के रखते, आगे तुम दोनों के काम आते। जहांगीर साहब, ये इन बच्चियों का नहीं, आपका काम है। नौरीन बेगम, मेरे पास जो कुछ होता है तुम्हारे हवाले करके मुतमैन हो जाता हूँ। तुम मुतमैन क्यों नहीं होती मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए कि मैं बदकिस्मत हूँ, आपकी बीवी हूँ ना। खुशकिस्मत तो है आपकी वो चहीती प्यारी भाभी गुले राना। समेटो ये सब और रात के खाने की तैयारी करो। स्ट्रेंजर से गिफ्ट नहीं लेती। गुलनूर, मोइज़ बेटा, अगर तुम फारिग हो तो आज चल के ग्रोसरीज ले आते बेटा, हर चीज खत्म हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, जा सकते हैं। क्या सोच रहे हो, कहाँ खोए हुए हो? कुछ नहीं, वो मॉम आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। मैंने आज एक लड़की को देखा। तो? बहुत अच्छी लड़की है, उसका नाम गुलनूर है। अरे भाई, कहाँ देखी, कौन है, कहाँ रहती है, किस खानदान की है? मॉम वो सब भी पता चल जाएगा, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि ये जो आप आए दिन मेरे लिए लड़कियाँ देखती हैं ना, और आपने जो अपना मैरिज ब्यूरो खोला हुआ, प्लीज यू शुड जस्ट होल्ड ऑन। मैं चाहता हूँ कि हम पहली प्रेफरेंस नूर को दें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ऐसे किसी राह चलती लड़की को अपनी बहू बना के ले आऊं? शादी और रिश्तों के मामले में बहुत देखभाल करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कैसा खानदान है, कौन लोग हैं, कैसे तौर तरीके हैं। ऐसी राह चलती लड़की को मैं घर ले आऊं? देखो बेटा, तुम हमारी इकलौती औलाद हो और अपने डैड की तमाम जायदाद के अकेले वारिस, ऐसी थोड़ी मैं बहू ले आऊंगी। बड़ी सोच समझ के देखभाल कर लाऊंगी अपनी बहू। अच्छा ठीक है, आए चल के ग्रोसरी करते हैं। हाँ भाई चलो, बड़ी देर हो रही है वैसे ही। ओ, तो इंतजार हो रहा है। तुम्हें कैसे पता? क्या मैं तुम्हें जानती नहीं? तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। गुले होगी बेवकूफ, मैं नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है तुमने उस लड़के को अपना नंबर दिया, मैंने तुम्हें खुद देखा उसे अपना नंबर देते हुए। मान लो कि तुम भी अहमक और बेवकूफ हो, चलो उससे कम ही सही। क्या मतलब? मतलब ये बुद्धू कि मैं किसी अजनबी लड़के को अपना नंबर देने की गलती कैसे कर सकती हूँ? कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो सारा कुछ मेरे गले में पड़ जाना है, और अम्मी तो मेरा खून पी जाएंगी। तो फिर तुमने उसे किसका नंबर लिख के दिया था? गुले का। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कमल, तुम पागल हो गई हो।
तुमने उसे कैसे गुले का नंबर लिख के दे दिया? तो गुले को पता है कि किससे कैसे बात करनी है? सारा मामला बिगाड़ देगी। उसे नहीं पता, मुझे तो पता है ना। तो तुम क्या करोगी? देखती जाओ। पता नहीं भाई। बारिश का मौसम, उजले कतरे, खूबसूरत फूल, दिलकश फिजा, दिलफरेब मनाजिर, बादलों से ढका आसमान, लेकिन खुदा की कसम सबसे ज्यादा दिलफरेब, पुरकशिश और खूबसूरत वजूद तुम्हारा था, फेरी टेल की प्रिंसेस। काश काश मैंने तुमसे तुम्हारा नाम ही पूछ लिया होता। ये इन्हीं फजूलियात के साथ जिंदगी गुजारने का इरादा है साहबजादे तुम्हारा? हाँ, इट्स माई पैशन। और जिंदगी तो वैसे भी जज्बे के साथ ही गुजरती है ना। ओह शट अप शट अप, बेहुदा बेवकूफ। तुम जैसी नाकारा औलाद को देखकर अफसोस होता है। क्या बात है, आप लोग इतना लाउड क्यों हो रहे हैं? इस उल्लू के पट्टे को समझा दो अच्छी तरह कि मैंने इसके लिए लड़की देख ली है। अगर जनाब के पास टाइम हो तो जाकर उससे मिल लें, ताकि मैं तौकीर हसन के सामने अपना दामन फैला सकूं। लानत है ऐसी औलाद में। माँ बाप भीख मांगने को तैयार हैं, उनके दिमाग साथ में आसमान से नीचे नहीं आ रहे। देखो मैं तुम्हें बता ही दे रहा हूं, इसको समझा दो अच्छी तरह। अगर इसी तरह ये रहा तो सारी जिंदगी दरबदर हो जाएगा। समझा दो इसे, कहीं का बेहुदा। अपने एक बात साफ साफ समझा दे, मैं शादी के नाम पर कोई बिजनेस डील नहीं बनूंगा। मैं जब भी शादी करूंगा अपनी खुशी के लिए करूंगा और अपनी पसंद की लड़की से करूंगा। बेटा, लेकिन जिस लड़की का जिक्र ये कर रहे हैं उसे देख लेने में क्या हर्ज है? हर्ज नहीं है, लेकिन मेरी जिद है। मैं ना उस लड़की से मिलूंगा ना ही उसे देखूंगा। उन्होंने जितना मुझे कोसना है कोस ले, मैं भी तो देखूं। मां की दुआ ज्यादा पावरफुल है या बाप की बद्दुआ? गुलनूर, कौन बात कर रहा है? आपको मेरा नंबर किसने दिया है? देख लीजिए, मैंने आपकी आवाज सुनते ही आपको पहचान लिया, और आप हैं कि आपने मुझे पहचाना ही नहीं। That's not fair. देखिए मिस्टर, आप जो भी हैं और जिसने भी आपको मेरा नंबर दिया है, मेरी जिंदगी में इन स्टूपिड चीजों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, तो अब फोन नहीं करना। ओके? हो सकता है किसी अपने ने दिया हो। मैंने कहा ना, डोंट कॉल मी नाउ। लेकिन मैं आपको जो स्टूपिड। अंदर आ सकती हूँ? तुम इतनी फॉर्मेलिटीज में क्यों पढ़ती हो? देखा नहीं है तुम्हारे कमरे में कैसे मुंह उठाकर आ जाती हूँ मैं? वो तुम्हारा ही कमरा है। तुम ऐसा क्यों बोलती हो? पता है बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं जब तक तुम लोग अपनी मर्जी से और खुशी से इस घर में रहते हो तो ये घर तुम्हारा ही है, और हम लोग तो एक ही फैमिली है ना, तो फिर ये मेरा तुम्हारा क्या? अच्छा, तो फिर ठीक है, आज से कमरा मेरा हुआ। कसम से बोलिए, मुझे तुम्हारा कमरा इतना पसंद है, ऐसे लगता है जैसे किसी जायजादी का कमरा है। हाँ तो मामा बाबा की प्रिंसेस ही तो हूँ, ये कमरा मैं कभी भी किसी को नहीं दूंगी। आई लव माई रूम। ये जो दीवार है ना, ऐसा लगता है कि मामा की तरह मुझे हमेशा गोद में ले लेंगे, और वो जो खिड़की है ना, ऐसा लगता है कि बाबा हमेशा मुझे इनके थ्रू देख रहे होते हैं। और पता है ये डॉल कब से है? जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी ना, तब से है मेरे पास। जब मामा को पता चला था कि बेबी गर्ल आने वाली है, तब इसको मेरे कमरे में सेट किया था। और ये जो रूम है ना, ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है। जब मैं एंटर होती हूँ मुझे फील होता है कि मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। सही तो कह रही हो तुम, तुम तो आई ही मुस्कुराहटें समेटने के लिए हो। तो फिर तुम बताओ, मैं अपना रूम किसी को कैसे दे सकती हूँ? तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? आई एम सॉरी। अरे ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, छेड़ रही थी तुम्हें। अच्छा, तुम्हें कोई काम था क्या? हाँ, मुझे तुम्हारे नंबर से एक कॉल करनी थी। तुम्हें तो पता ही है मेरा मोबाइल बस देखने के लिए, बैलेंस तो होता नहीं है उसमें। अच्छा नंबर बताओ, मैं डायल करती हूँ। नंबर तो मेरे सेल में और सेल मेरे कमरे में है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझे अपना मोबाइल दे दो, एक कॉल करके वापस कर दूंगी। ओके
थैंक यू, मैं थोड़ी देर में वापस कर जाऊंगी। अच्छा सुनो, मुझे पता नहीं कौन रॉन्ग नंबर से तंग कर रहा था, अगर तुम्हें फोन करे ना बिल्कुल नहीं उठाना। हाँ सही है। My baby. क्या हुआ, सब खैरियत तो है? जी 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 जान, वो मैं ऊपर जा रही थी। क्या हुआ, बना काम? तुम्हें ये फोन कैसे मिल गया? मांगने का भी अपना अपना स्टाइल होता है, और वैसे भी हम किसी से कोई चीज मांगे और हमें ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? ये बताओ सिर्फ फोन से क्या होगा? जादू, जादू करूंगी, अभी देखना। इसके लॉग में सिर्फ यही अननोन नंबर है, कॉल मिलाओ। और अगर ये नंबर किसी और का हुआ तो? तो गुलनूर का फोन है, वो खुद ही भुगतेगी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? पागल हो गई हूँ, खुशी से पागल। कल मेरे ख्वाबों का शहजादा मुझसे मिलने आ रहा है, तो मैं पागल भी नहीं हूँ खुशी से क्या? अगर अम्मी को तुम्हारी इन हरकतों का पता चला ना, गला दबा देंगी वो तुम्हारा। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। हेलो, कौन जी? कौन? मैं मोइज, आप कौन? अनजान क्यों बन रहे हैं, एक दफा पहले कॉल कर चुके ना, अब फजूल में इतरा क्यों रहे हैं? हाँ लेकिन इस बार वो आवाज नहीं जो पहले थी। वाह भाई, आप तो काफी समझदार लगते हैं, ये समझ ही है या एक्सपीरियंस? माफ कीजिएगा, मुझे लड़कियों से बात करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बस काम चला लेता हूँ। खासे चालाक लगते हैं आप। आपने कॉल की है तो नाम तो पता होना चाहिए ना कि किससे बात कर रहा हूँ। नाम जान के क्या करेंगे आप? कोई हर्ज नहीं है अगर आप अपना नाम भी बता देंगे। भाई मुझे क्या पता कि आप किस किस्म के इंसान हैं? अब हर किसी को नाम थोड़ी बताया जाता है। हर किसी से बात की जा सकती है लेकिन उसको अपना नाम नहीं बताया जा सकता। वैसे ये आप लड़कियां भी ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड और हिपोक्रेट होती हैं। लड़के भी तो हमेशा धोखेबाज और फ्लर्ट निकलते हैं, तो लड़कियां अगर मुनाफ़त ना करें तो फिर क्या करें? अरे फ्लर्ट, ये नंबर आपने मुझे दिया है और आपने ही मुझे कॉल की है अभी, तो मैं कहां से फ्लर्ट और धोखेबाज हो गया? हाँ मैंने आपसे कोई शादी या मोहब्बत की बात तो नहीं की जो आप इतनी सेंटिमेंटल हो रही हैं। ठीक है, आप अगर अपना नाम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी कॉल करने का मकसद तो बता सकती हैं ना? मकसद तो कुछ खास नहीं, बस यूं ही। So you mean time pass? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, और अगर आपके जहन में ऐसे फतूर आ रहे हैं तो मैं फोन रख देती हूँ। अब मेरी बात तो सुने। सुन रही हूँ, कहिए। अगर मैं मिलना चाहूँ तो? किससे? आपसे। मुझसे? Are you serious? Of course. तो ठीक है, फिर मैं आपको एक जगह बता रही हूँ। कल शाम आप हाशिम पार्क आ जाना 5 बजे, मैं वहीं मिलूंगी आपको। आप मजाक तो नहीं करें? आप वहीं आके देख लीजिएगा। ओके बाय। कमल, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? पागल हो गई हूँ, खुशी से पागल। कल मेरे ख्वाबों का शहजादा मुझसे मिलने आ रहा है, तो मैं पागल भी नहीं हूँ खुशी से क्या? अगर अम्मी को तुम्हारी इन हरकतों का पता चला ना, गला दबा देंगी वो तुम्हारा। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तुम्हें पता है ना वो हमारे लिए वैसे भी कितना परेशान रहती हैं। मैं तो बस उनकी परेशानी का हल ढूंढ रही हूँ। और जब उन्हें पता चलेगा ना कि मोइज जैसा अमीर और हैंडसम लड़का मेरे लिए रिश्ता लेके आ रहा है, तो खुद ही खुश हो जाएंगी। ओ अच्छा, तो आपको ये खुशफहमी है कि एक दिन आप मोइज से मिलेंगी और अगले दिन वो आपका रिश्ता लेके आ जाएगा? वाह भाई, क्या कहने इस खुशफहमी के, और क्या कहने इस जेलेसी की जो आपके चेहरे से टपक रही है। ओ हेलो, मैं देखती हूँ कैसे जाती है आप अम्मी की आंखों में धूल झोंक के अपने शहजादे से मिलने। जरूर जाऊंगी, और तुम देखना मैं कैसे उसे अपना रिश्ता लाने पर राजी करूंगी।